तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी को हमारे नए वीडियो में। तो आज हम लोग आ गए हैं गुजरात, और गुजरात में है आज विजयदशमी। विजयदशमी का दिन आप लोगों को पता होता है कि रावण का पुतला बनाया जाता है और राम जी उनको जलाते हैं। तो आज हम लोग फिलहाल हैं गुजरात में, और गुजरात का एक कुड़ीनार जो थाना पड़ता है वहाँ पर हम लोग अपने काम के सिलसिले में आए थे यहाँ पर। तो काम तो ख़त्म है आज, ख़त्म नहीं है मतलब छुट्टी है आज। तो आज हम लोग आ गए हैं लंका का जो राजा थे रावण, उनको आज दहन करना है। तो आज हम लोग देखने के लिए आते हैं। आतिशबाजी शुरू हो गया है, पटाखे के शोर शराबे से एकदम इतना मस्त भव्य लग रहा है नज़ारा देखने को। देखिए रावण इतना बड़ा बना हुआ है। अभी थोड़ी ही देर में आपको देखने को मिलेगा कि रावण को जला दिया गया है, और इससे सीख मिलता है कि जो बुरे काम करेंगे उनका एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। तो ऐसे ही आज रावण को भी मार दिया जाएगा। ये हर साल की भांति इस साल भी हो रहा है यहाँ पे गुजरात में। अभी हम गुजरात में देखिए आतिशबाजी कितना बढ़िया चला जा रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग, भाई बहुत ज़्यादा हमारे दोस्त भी है सब साथ में। विकास भैया हैं, राजा भैया हैं, कृष्णा है, अब से वो विकास है, पांच छः आदमी है साथ में। बहुत आदमी प्लांट से बहुत आदमी आए हैं जो अभी इधर उधर सब घूम के देख रहे हैं। तो हम लोग भाई थोड़ा नदी के पुल है जो उस पर खड़ा होकर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। वहाँ पे जाने का हम लोग को रास्ता नहीं मिला, वहाँ से जाते तो थोड़ा बढ़िया सा को वीडियो बना के दिखाते हैं, लेकिन दूर से ही दिखा रहे हैं। पुल पे खड़े हुए हैं हम लोग, और यहाँ से आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ से भी सही है, वहाँ पास में रखते तो थोड़ा पटाखे के शोर शोर के बाद बहुत ज़्यादा आता, लेकिन यहाँ से दूर से ठीक है। और देखिए आपको नज़ारा हम दिखा रहे हैं लोग, ये गुजरात का नज़ारा है। हम तो है बिहार के, और बिहार से सीवान जिला से रहने वाले हैं हम लोग। और देखिए कुछ अद्भुत नज़ारा है, हम लोग को वहाँ भी मिलता है, बट हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं हम, गुजरात में कैसे होता है। अभी कुछ देर पहले, एक दिन पहले डांडिया हुआ था यहाँ पे, तो डांडिया वहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो हम लोग वीडियो नहीं बनाए, बस ऐसे देख के और आ गए। बहुत बढ़िया लगा। तो डांडिया यहाँ पे खेलते हैं लोग, और देखिए आपको दिखा रहे हैं हम रावण को कैसे मारा गया है। और ये आपको आतिशबाजी दिखा रहे हैं, पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा आतिशबाजी हो रहा है, आपको हम क्या बताएं। आपको दिखा रहे हैं हम जितना जल्दी रावण को मार दिया जाए। और शायद वहाँ पे मेरे दोस्त हैं यहाँ पे जो एहतियास भाई हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, और अच्छे नाम है एक भाई का, तो दोनों लोग भी यहाँ पे हैं। तो वही लोग हमको बुलाए थे, वो भाई बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगा नज़ारा, हम लोग आइए। और एक और इसको वीडियो बनाएंगे, पार्ट टू है, जो बहुत ज़्यादा झांकी यहाँ पे निकला था पूरा एकदम बहुत ज़्यादा बढ़िया से सब। तो अभी तो फिर फिलहाल रावण को मारने वाला वीडियो बनाकर आपको दिखा रहे हैं हम, और नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे आपको यहाँ का जो है। हम वीडियो थोड़ा नहीं आ रहा था क्योंकि माइक हम लोग का ख़राब हो गया था, माइक ऑर्डर किए थे, माइक आया है, इसलिए थोड़ा माइक से आवाज़ क्वालिटी थोड़ा सही आता है, इसलिए माइक के चलते हम लोग का प्रॉब्लम हुआ था। अब देखिए आपको दिखा रहे हैं हम, ये भी राजा भैया के शूट किया हुआ वीडियो है जो बार बार आसमान में दिखा रहे हैं, और आतिशबाजी आपको दिखा रहे हैं पटाखे का। भाई राजा भैया जल्दी से रावण के मरवाओ, बहुत ज़्यादा समय हो गए, और हमें समय शायद हो गई बा 10 बजे अलावा, 10 बजे के आसपास टाइम और लगे, 10 बजे रावण मरा दिए, अभी रावण मरा ही नहीं था, थोड़ी देर में मरा ही है। अभी शायद इकट्ठा करता लोग के पटाखे वटाखे, देखे रावण का फिर लग गया है। और देखे रावण अब जाएंगे, जय श्री राम बोलते हुए, जय श्री राम। लास्ट में रावण रामायण भी हम लोग देखे हैं, जय श्री राम बोले हैं रावण। ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये मुझे फोटो डाले हैं रावण का, हम जो आप देख सकते हैं। और देखिए रावण का आग लग गया है, अब रावण का विनाश होने वाला है। और देखिए ये सब आपको पटाखे के बाद आपको नज़र सुनाई दे रहा होगा, दिखाई भी दे रहा होगा। और हम लोग यहाँ पे 5-6 आदमी आए थे लोग, वहीं से घूमे, खाना मेला भी बहुत बढ़िया लगा हुआ है, और इन्जॉय भी खूब किए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इतना दूर आए हैं तो इन्जॉय तो बनता ही है। और आपको दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, थोड़ा आप देख लीजिए रावण को कैसे जलाया गया। और देखिए पूरा मतलब क्या बताया यार, 10-15 सेकेंड भी नहीं लगा और रावण पूरा खत्म हो गया। और यहाँ पे पानी उनका सब व्यवस्था रखा गया था, बाई चांस कुछ ऐसा होता है तो शायद वो लोग वहाँ से देख के आए थे पहले से ही, वहाँ से जाकर पहले 2-3 दिन पहले से ही बन के तैयार हो गया था रावण। तो वहाँ पे लोग जाकर सेल्फी वेल्फी फोटो वोटो ले आ रहे थे, हम लोग भी सेल्फी वेल्फी फोटो वोटो सब लेके आए हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे तो फिर पेज को फॉलो कर लीजिए। और थोड़ा वीडियो आने में दिक्कत हो रहा था, अब दिक्कत नहीं होगा, माइक सब आ गया है, तो थोड़ा ज़्यादा समय मिलेगा। माइक आ गया तो बहुत ज़्यादा वीडियो हमारा पेंडिंग पड़ा है, अभी यहीं का 2 वीडियो पड़ा है, फिर अभी बहुत ज़्यादा वीडियो है जो आप लोग को देखने लायक है, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं तो बिहार से थोड़ा अलग आए हैं, तो अलग का वीडियो को दिखा रहे हैं। देखिए कि इतना क्राउड, इतना भीड़ था यहाँ पे जो देखने के लिए, अभी रावण बना गया फिलहाल, सब लोग देख कर अपने अपने घर जाएंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ था भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो हम लोग शायद खैर के जिस एरिया में है उस एरिया से दिखा रहे हैं, उस साइड में बहुत ज़्यादा है। देखिए सब तरफ भगवान ही भगवान लहरा हुआ है झंडा, और इधर आपको दिखा रहे हैं। सबके लिए बने रहे वीडियो में, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।